हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7th एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लास्ट वीडियोस में कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको कुछ एंगल्स गिवन हैं, पेयर में दिए गए हैं दोनों ही, ठीक है। आपको इनमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है एंड कौन सा सप्लीमेंट्री है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे कि हमने बताया था, अगर दोनों एंगल्स का सम हमारा 90 डिग्री आता है तो वो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री, एंड अगर एंगल का सम अगर हमारा 180 डिग्री आता है तो वो होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सो ऐड करिए और पता करिए। अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं 65 एंड 115, तो आई थिंक इन दोनों को सम करने पर हमारा आता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हमारा कॉम्प्लीमेंट में आता है, सप्लीमेंट में सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह नेक्स्ट आता है हमारा, इन दोनों को सम करते हैं 63 27, तो आई थिंक इसका आता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एंड सप्लीमेंट्री। तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। 112 एंड 68 डिग्री, तो इन दोनों को सम करें तो कितना आता है 180। और 180 डिग्री हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 130 एंड 50 180, और 180 भी हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। 45 45 कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और 90 डिग्री हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। देन आते हैं 80 डिग्री एंड 10 डिग्री। 80 डिग्री एंड 10 डिग्री का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री हमारे क्या होते हैं, किसका सम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। सो गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत ही इजी था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कीजिए। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऐसा एंगल बताइए कि एंगल ए और एंगल बी अगर मैं लेती हूँ, दोनों कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, लेकिन दोनों इक्वल होने चाहिए। अब इक्वली हमें उस एंगल को क्या करना है, हमें पता है एंगल ए और एंगल बी कितना होता है कॉम्प्लीमेंट में, 90 डिग्री। अब इसे 90 डिग्री को हमें इक्वली डिवाइड करना है, 90 डिग्री को इक्वली डिवाइड करना है, इट मीन्स दो पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो क्यों ना हम इसको 2 से डिवाइड कर दें। और अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो दोनों इक्वल इक्वल बांटते हैं, तो 45 और 45 डिग्री आता है, ठीक है। तो दोनों के फाइंड द एंगल, हमें एंगल निकालने हैं जो कि इक्वल होते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट के, इट मीन्स दोनों एंगल कितना होंगे, 45 एंड 45 डिग्री, ठीक है। बहुत ईजी था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए, जैसे हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 5, बट यहाँ पर एक वर्ड चेंज हुआ है, वो है कॉम्प्लीमेंट की जगह आ गया हमारा सप्लीमेंट। पर ये तो और भी इजी है, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोनों एंगल का सम 90 है, और सप्लीमेंट का मतलब होता है दोनों एंगल का सम 180 है। अब यहाँ पर भी आपको एंगल निकालने हैं जो कि इक्वली होने चाहिए सप्लीमेंट, इट मीन्स एंगल ए और एंगल बी का सम जो आता है 180 डिग्री होता है दोनों का मिलाते हैं तो। लेकिन अगर हमें 180 डिग्री को इक्वली डिवाइड करना है, तो इक्वली डिवाइड करें तो आई थिंक 90-90 में बटेगा, या इसको 2 से डिवाइड भी करके देख सकते हो एज यू विश, ठीक है। तो 90-90 जाएगा, तो इट मीन्स कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होंगे, वो क्या होंगे, 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 5 बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।